से जहां एक 10 साल की बच्ची को आग के हवाले कर दिया गया क्योंकि उसकी मां जो एक रेप विक्टिम है वो केस वापस लेने से उसने इनकार कर दिया था। जिसके बाद दोनों आरोपी पहले तो पीड़िता के घर में घुसे, उसे डराया, उसे धमकाया और फिर जिंदा जलाने की कोशिश की। इस दौरान आग महिला की बेटी की फ्रॉक में लग गई और वो झुलस गई। महिला की बेटी यहां फिलहाल अस्पताल में है और खतरे से बाहर है। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथी को पकड़ लिया है जबकि मुख्य आरोपी यहां पर फरार है। त्या गुन्ह्यामध्ये एक आरोपीला काल रात्र चौकशीनंतर कस्टडियल इंट्रोगेशनसाठी त्याला ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे, त्याला अटक करण्यात आलेली आहे आणि दुसरा आरोपी त्याच्या सहभागाबाबत योग्य रीतीने चौकशी केली जात आहे। जे काही फॅक्ट असतील आणि जे काही या गुन्ह्यासंदर्भात जे हकीकत आहे त्याप्रमाणे सखोल चौकशी करून पुढची कारवाई करण्यात येईल। ती हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झाली, तिला 10-15% ती भाजलेली असून सुपरफिशियल बर्न आहे। सध्या तिची प्रकृती व्यवस्थित आहे, स्टेबल आहे, आपल्या ह्या ट्रीटमेंटला ती चांगली रिस्पॉन्स करत आहे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मयूरेश यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। मयूरेश, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि बच्ची की हालत कैसी है और दूसरी बात ये, आखिर इस महिला पर क्या पुलिस दबाव बना रही थी या फिर आरोपी दबाव बना रहे थे केस वापस लेने का? जी, अगर हम बात करें बच्ची की तो बताया जा रहा है कि 15% बर्न इंजरीज जो है उस बच्ची को हुए हैं, लेकिन अभी भी अभी उसकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है, स्टेबल है। जैसे आपने पूछा कि दबाव किसने बनाया, जी हाँ, जो अक्यूज है इस मामले में उनकी तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था कि FIR जो उस महिला ने उनके खिलाफ दर्ज की है उसे पीछे लिया जाए और वो उस महिला ने नहीं किया, उस वजह से उन्होंने उसकी बच्ची के ऊपर जो है वो तेल छिड़क के उसको जलाने की कोशिश की। ठीक है, शुक्रिया मयूरेश इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बच्ची को जलाने की साथ साथ मां को भी जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल राहत की बात बस यही है यहां पर कि बच्ची की हालत खतरे से बाहर है और पुलिस ने यहां आरोपी के एक साथी को जरूर हिरासत में ले लिया है लेकिन आरोपी अभी भी फरार है।